हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन को। केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है और आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी, परंतु इसमें हम विस्तार से समझेंगे कि केतु महाराज जो नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं उसका प्रभाव क्या देखने को मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि रहस्यमयी हैं। राहु केतु ये बड़े रहस्यमयी ग्रह माने जाते हैं। केतु का नक्षत्र परिवर्तन अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो चुका है। ये सूर्य का नक्षत्र है। ये 10 नवंबर को रात्रि में 26:36 में हुआ है, यानी कि 11 तारीख लग चुकी थी। तो ये जो सूर्य के नक्षत्र में गोचर है वो कितना आपको लाभ देगा, कितनी समस्याएं देगा, ये समझेंगे। देखा जाए तो केतु महाराज इस समय आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके दाम्पत्य भाव, आपके भाग्य भाव और आपके आय भाव को भी प्रभावित करेंगे दृष्टि डाल के। तो इसका प्रभाव क्या देखने को, क्योंकि 2024 जो गया तो उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। 2024 अब जा ही रहा है, पूरा ही हो रहा है, तो 2025 में अपने आप को बर्बाद होने से बचाना चाहिए, क्योंकि 2024 भी गया, अब 2025 भी जाए तो इससे अच्छा है कि हम पहले से समझ लें, जान लें और सावधान हो जाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसमें समझने की बात है, क्योंकि कभी भी कोई ग्रह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हम अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। प्रिय दर्शकों, केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में, आप ये देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी वाद विवाद अनबन की स्थिति चल ही रही होगी, वो अभी उसी तरह चलती रहेगी। अभी ये क्योंकि नवंबर से लेके जुलाई 2025 तक ये सूर्य के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी में। तो ये दाम्पत्य जीवन की जो समस्याएं हैं वो चलती ही रहेंगी जैसी चल रही थी, परंतु एक अच्छी बात यह है कि यदि प्रयास किया जाए तो सूर्य सत्य के प्रतीक हैं और देखा जाए तो सूर्य आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि एक तो दाम्पत्य जीवन का जो भाव है सप्तम भाव वो है, और दूसरा भाव जो माना जाता है दाम्पत्य जीवन का द्वितीय भाव, तो वहां के अधिपति सूर्य हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो रहे हैं, उसका प्रभाव तो मिलेगा, परंतु सूर्य आपको सपोर्ट करने की कोशिश भी करेंगे। तो यदि आप प्रयास करते हैं तो इसमें पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ सुधार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पर हाँ पहले से बेहतर अब सुधार करने की कोशिश आप कर सकते हैं। क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है कि जिसको जो भी देता है, अच्छा दे बुरा दे, वो फिर देता ही रहता है। तो इस चीज को यदि आपने रोक लिया तो आपको दाम्पत्य जीवन में स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। आगे हम उपाय भी जानेंगे तो बने रहिएगा। इसके अलावा एक अच्छी बात है कि जो व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाला, और आपके व्यापार में आप जितना चाहें मेहनत कर लीजिए, जितना चाहें आप प्रयास कर लीजिए, सभी प्रयास सभी मेहनत आपको, पहले की भी मेहनत इस समय आपको फल देगी। इसलिए मेहनत करिए, प्रयास करिए, जिससे आपको धन लाभ हो सके, आपके व्यापार में वृद्धि हो सके। हाँ, जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि संभवतः मन में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बन सकती है, आपस में अनमन की स्थिति बन सकती है। जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं सफल हूं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप धर्म से जितना जुड़ जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि इस समय आपको मेहनत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कितनी भी आप सोच रहे हो कि मेरे पास ये व्यवस्था है, वो प्लानिंग है, पर जब भाग्य साथ नहीं देता तो कई बार प्लानिंग काम नहीं आती, उस समय कर्म ही जो है तो काम में आता है। तो कर्म खूब करिए, भाग के सहारे मत रहिए, कर्म जितना करेंगे उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी कर्म का ही फल है, यानी कि जो आप कर्म करते हैं वही भाग्य है।
इसलिए कर्म इस समय करना बहुत जरूरी। इस समय आलस करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी। एक अच्छी बात यह जरूर है कि इस समय आपका मन भगवान के प्रति लगेगा, धर्म के प्रति लगेगा, आपको कहीं ना कहीं भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है। संभवतः आपको धार्मिक यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। थोड़ा सा माता पिता के साथ और खासकर पिता के साथ अनमन की स्थिति बनने की संभावनाएं, भाई बंधुओं के साथ जो आपके छोटे भाई बंधु हैं उनके साथ वाद विवाद की स्थिति, कलह का माहौल बन सकता है। कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है वहां पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा, मेहनत करिएगा, भ्रमित नहीं होना है तो सफलताएं मिल सकती हैं। और एक अच्छी बात यह जरूर है कि आय में वृद्धि आपके होती हुई दिखाई दे रही है, तो आय में वृद्धि तो होगी परंतु कुछ ऐसे काम है जिनमें रुकावटें भी पैदा होंगी। संभव है कि बॉस के साथ थोड़ा अनमन की स्थिति बने, मन मुटाव हो जाए, तो इससे बचना होगा। तो देखा जाए तो जो स्थिति परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लाभ दे रही हैं तो कुछ समस्याएं भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है और प्रयास करते रहना है, क्योंकि केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है कि यदि आप कर्म करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको फल मिल जाएगा, क्योंकि केतु के पास जानते हैं ना खाली धड़ है, सर नहीं। तो केतु आपके बुद्धि से ही काम करता है, राहु की खासकर बुद्धि से। तो आप जितना ज्यादा आप सही मार्ग में चलेंगे, सतमार्ग में चलेंगे, केतु ग्रह जो कि राहु केतु एक ही है परंतु केतु का अपना अलग अस्तित्व है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो लोगों को मुक्ति दिलाने वाला होता है, लोगों को सतमार्ग में तंत्र मंत्र आदि की जानकारी देने वाला ग्रह माना जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रयास तो करना ही चाहिए, बिना प्रयास के कुछ संभव ही नहीं है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए सबसे जरूरी है कि भगवान सूर्य की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय यदि कर सके तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम अर्घ तो दीजिए। माता पिता का सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और साथ में भगवान गणपति की आराधना करिए खूब, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। मंत्र जब आपको आता है, आपको स्त्रोत आता है, चालीसा आता है, जो भी आपको आता है वो करिए। कुछ नहीं आता है तो नाम स्मरण करिए। तो जैसे भी हो जितनी भी सेवा आप कर सकते हैं गणपति की और भगवान सूर्य की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और साथ में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिएगा। कमेंट में ओम गंग गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।